वेलकम टू टीचर कैप्सूल। टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए एक चर्चित टॉपिक, एक चर्चित कॉन्सेप्ट आपकी है, उसका नाम आपका है अधिगम स्थानांतरण यानी कि लर्निंग ट्रांसफ़र। दोस्तों ये टॉपिक आपने आपका बहुत मशहूर टॉपिक आपका है। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार आपके होते हैं, कितने तरीके से आपकी लर्निंग ट्रांसफ़र आपकी होती है और उसके कितने कितने पॉइंट्स आपके बन सकते हैं, पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, वो सारी की सारी चर्चा हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है साथियों, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम अगर आए हो तो आपके नज़रों के सामने लाल रंग से सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, तो आप जल्दी से सभी लोग लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा। साथ में दाहिने हाथ पर जो आपका बेल आइकन दबा हुआ है, बेल आइकन बना हुआ है, उस बेल आइकन को भी आप लोग जरूर दबा लें। ठीक है साथियों, आइएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर कर देना ताकि गरीब बच्चों के पास, मजदूर के बच्चे के पास, एक किसान के किसान के बेटे के पास में कम से कम ये चीज़ पहुँच जाए। तो आइएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका है अधिगम स्थानांतरण यानी कि लर्निंग ट्रांसफ़र। सबसे पहले मैं बोल दूं अधिगम, अगर अधिगम का मतलब क्या होता है साथियों, तो अधिगम का मतलब होता है आपका सीखना यानी कि लर्निंग। अगर मैं आपसे कहूं आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आप लोग मोहन सर का वीडियो देख रहे हो यानी कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अधिगम कर रहे हो, आप लोग सीख रहे हो, आप लोग लर्निंग कर रहे हो। ठीक है ना, तो भैया जो सीखना आपका होता है वो आपका कितने प्रकार से ट्रांसफर होता है, कन्वर्ट होता है, इसके विषय में चर्चा हम लोगों को करनी है। तो देखते हैं सर जी अधिगम स्थानांतरण। तो अधिगम स्थानांतरण के जो आपके प्रकार होते हैं वो आपके तीन प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, एक सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, एक नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, एक आपका शून्य अधिगम स्थानांतरण। क्या? शून्य अधिगम स्थानांतरण। सर जी ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, तो अगर मैं आपको बोलना चाहूं कि पहले का अधिगम जब पूर्व का अधिगम बाद के अधिगम में आपकी मदद करे, यानी कि जो चीज आपने पहले सीखी है वह पहले सीखा गया अधिगम, पहले का नॉलेज, पहले का ज्ञान जब वर्तमान में जो चीज अपन सीख रहे हैं उस चीज में अगर आपकी मदद करता है, अगर आपकी हेल्प करता है, तो ऐसा अधिगम का ट्रांसफर, अधिगम का स्थानांतरण आपका सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे कि अगर आप पहले साइकिल चलाना सीखते हो और साइकिल की जो नॉलेज है, साइकिल का जो आपका अधिगम है, वो जब बाद में आप स्कूटी चलाना का प्रयास करते हो, स्कूटी चलाने की कोशिश करते हो, तो वह जो नॉलेज है साइकिल वाला वो आपका स्कूटी के नॉलेज में ट्रांसफर हो जाता है, तो आप स्कूटी फर्राटेस चला सकते हो, है ना। दूसरी चीज अगर मैं आपको बोलना चाहूं, मान लो आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हो, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और अगर आप बिहार में भेज दिया जाए तो वहां पर भोजपुरी बोला जाता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हिंदी जो आपकी है वह आपकी भोजपुरी भाषा में आपकी मदद कर रही होगी। तो कहने का मतलब जब पूर्व का अधिगम वर्तमान के अधिगम में आपकी मदद करे, आपकी हेल्प करे, तो ऐसा अधिगम का स्थानांतरण, ऐसी लर्निंग का ट्रांसफर आपका सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, गुड। ये प्रकार आपका हो गया सकारात्मक का। बिल्कुल टेंशन मत करो, हमें यह बताना केवल कि देखिएगा भैया अभी आप तुम साइकिल चला वो जानती का रेंजर साइकिल तुम चला लेगी, कुछ दिन के बाद जब तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे पति देव ने क्या तुम्हें दे दिया, तुम्हारे पति देव ने तुम्हें स्कूटी दिला दी, तो तुम स्कूटी भी बहुत फर्राटे से चला रही हो। कैसे स्कूटी फर्राटे से चलाना सीखा तुमने? क्योंकि जो पहले वाला अधिगम था ना, पहले वाला जो नॉलेज था शादी के पहले वाला साइकिल चलाने वाला, वह नॉलेज अब आपका स्कूटी चलाने में ट्रांसफर हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। दूसरा आपका है नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जब पूर्व का अधिगम, पहले का अधिगम वर्तमान के अधिगम में आपका बाधा पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, दिक्कत पैदा करे, तो ऐसा अधिगम का स्थानांतरण आपका नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे कि संस्कृत के टीचर को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए, अगर आप एक संस्कृत के टीचर हो, हम तुमसे कह दें तुम अंग्रेजी पढ़ाओ, तो जो संस्कृत की जो नॉलेज है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बाधा
क्रिएट करेगी, हमें समस्या पैदा करेगी अंग्रेजी पढ़ाने में, तो यानी कि ऐसा ट्रांसफर क्या हो गया आपका, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जैसे कि अगर मैं कह दे जाऊं, एक जो आपका कला बालक वाला बच्चा होता ना, आर्ट्स ग्रुप वाला बच्चा, वो साइंस ग्रुप में जब जाता है ना, जब विज्ञान वर्ग में जाता है, तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसे बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो कला वाला नॉलेज है वो वर्तमान के नॉलेज में बाधा पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, इसीलिए इसे अपन कहते हैं क्या, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, ये आपका हो गया। अब बात आती सर जी तीसरा प्रकार आपका हो गया शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य का मतलब क्या होता है, यानी कि पूर्व का अधिगम, पहले का अधिगम वर्तमान के अधिगम में ना तो फायदा पहुंचाए और ना नुकसान, ना प्रॉफिट ना लॉस। सर जी इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैं आपको बोलना चाहूँ कक्षा 5 के बच्चा है, कक्षा 7 का बच्चा है, उसे अपन कबीरदास के दोहा पढ़ा रहे, कबीरदास के दोहा खत्म हो गए, तुरंत ही दूसरा चैप्टर आ गो रहीमदास के दोहा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कबीरदास के दोहे का मतलब कुछ अलग है, रहीमदास के दोहे का कुछ मतलब अलग है, ना तो कबीरदास वाले जो नॉलेज है वो आपको समस्या पैदा कर रहा है, ना आपको फायदा पैदा कर रहा है, समझ में आ गया। तो यानी कि पूर्व का अधिगम जब वर्तमान के अधिगम में ना फायदा पहुंचाए ना नुकसान पहुंचाए, शून्य अधिगम स्थानांतरण, जब पूर्व का अधिगम वर्तमान के अधिगम में आपको दिक्कत पैदा करे, नुकसान पैदा करे, वो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, और जब पूर्व का अधिगम वर्तमान के अधिगम में आपको प्रॉफिट करे, फायदा करे, है ना, तो यानी कि वो आपका हो जाएगा सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। प्रकार आपके क्या है, एग्जाम्पल आपको तीनों के एग्जाम्पल आपके नजरों के सामने है, और यही एग्जाम्पल आपके पेपर में हमेशा आते रहते हैं, इसलिए कान खोलकर ये एग्जाम्पल अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब बात आती सर जी कि सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के तीन और प्रकार होते हैं, यानी कि मैं कहना चाहूं सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के तीन बच्चे पैदा हुए। कितने, तीन बच्चे आपके पैदा हुए, कौन कौन से नाम थे, एक का नाम था क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, एक का नाम था ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण, एक का नाम था आपका द्विपार्श्व अधिगम स्थानांतरण। चिंता मत करिए, टेंशन मत लो, मैं आपको समझा देता हूँ, यानी कि ये तीनों के तीनों प्रकार आपके पॉजिटिव के ही हैं, सकारात्मक के ही हैं। आपके दिमाग में आएगा सर जी क्या इनके प्रकार नहीं है, क्या इनके बच्चे पैदा नहीं हुए, नहीं साथियों, यानी कि इनके कोई भी प्रकार नहीं है, ना तो इसके प्रकार हैं, केवल प्रकार हैं किसके, सकारात्मक के तीन, है ना, कौन कौन से, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और आपका द्विपार्श्व। सर जी इसके भी कोई एग्जाम्पल आपके पास है, हाँ बिल्कुल मेरे पास है। अगर मैं कहना चाहूं कि गणित के सरल जोड़ का जो आपका अधिगम है ना, मान लो देखिएगा, गणित के सरल जोड़ का अधिगम इकाई वाले जोड़ में कन्वर्ट हो जाना, सर जी समझ में नहीं आया, दोबारा से समझाओ। मान लो भैया कि आपके पास एक नॉलेज है, 2 और 4 को जोड़ने की नॉलेज आपके पास पहले से है, आप 2 में 4 जोड़ना जानते हो, 2 में 4 जोड़ा 6 आ गया, ये नॉलेज आपके पास पहले से थी। अब क्या हुआ, यही वाली नॉलेज, यही वाली अधिगम जो आपका है ना, वो आपका ट्रांसफर हो गया किसमें, इकाई वाले जोड़ में। अब देखिएगा 18 में हम 37 जोड़ने के लिए तुमसे बोले तो तुम जोड़ोगे कैसे, 8 7 15 हासिल आई 1 1 3 और 1 4 हासिल आई 1 5। ये देखो, यानी कि ये कैसे कर पाए तुम, अभी तुम जानते हो ना, छोटा छोटा जो बच्चा होता ना, उसको नॉर्मल जोड़ सिखाए जाते हैं, सरल वाले जोड़, और वही सरल वाले जोड़ क्या होता है, जब वो बड़ा हो जाता ना, तो वही सरल वाले जोड़ का जो ज्ञान है ना, नॉलेज है ना, अधिगम है ना, वो इकाई वाले जोड़ के अधिगम में उसको फायदा करता है, प्रॉफिट पहुंचाता है। ऐसा अधिगम का स्थानांतरण आपका कैसा कहलाता है, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। समझ में आ गया बच्चा, आएगा अपन दूसरा देखते हैं, ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, जब बीज गणित का नॉलेज, बीज गणित विषय का अधिगम आपका है, वह रेखा गणित के अधिगम में आपकी मदद करता है, हेल्प करता है, तो इसे अपन ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण कहलाते हैं। साथियों यह एग्जाम्पल आपके पेपर में हमेशा आता रहता है, 90% आपका यही एग्जाम्पल आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि बीजगणित विषय के बाद जब रेखागणित पढ़ाया जाए, तो बीजगणित का जो नॉलेज है, रेखागणित के नॉलेज में जब फायदा करे, तो आपका वो ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। बात आती तीसरे की, द्विपार्श्व अधिगम स्थानांतरण, यानी कि शरीर के दाएं हाथ का अधिगम जब बाएं हाथ के अधिगम में परिवर्तित आपका हो जाए, उसे अपन द्विपार्श्व अधिगम स्थानांतरण कहलाते हैं। सर जी समझ में नहीं आया, दोबारा से समझाएगा, आएगा मैं आपको समझाता हूं।
द्विपार्श्व अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है जो शरीर के दाहिने हाथ का नॉलेज, दाहिने हाथ का अधिगम जब बाएं हाथ के अधिगम में ट्रांसफर हो जाता ना, कन्वर्ट हो जाए, तो उसे कहते हैं अपन क्या, द्विपार्श्व अधिगम स्थानांतरण। जैसे कि हम देखो, इस सामान्य तौर से अपन लोग दाहिने हाथ से लिखते हैं ना, इस हाथ से अपन लिखते हैं। अब देखो भैया, जवाले हाथ में ततैया ने काट लाओ, किसने, बर्रैया ने, बर्रैया ने काट लिया। अब अगर हम तुमसे बोलें छुटवा लिखो, तो क्या तुम इस हाथ से छुटवा नहीं लिख पाओगे? ये देखिए, मैंने इस हाथ से कभी भी नहीं लिखा, इसके बावजूद भी मैंने यहां पर छुटवा लिख दिया। कैसे लिख दिया ये छुटवापन ने? क्योंकि जो दाहिने हाथ का अधिगम था, दाहिने हाथ का जो नॉलेज था, वो बाएं हाथ के नॉलेज में ट्रांसफर हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसे ही अपन द्विपार्श्व अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। सर जी, क्या और भी एग्जाम्पल आपके पास हैं? क्या और भी एग्जाम्पल से मुझे समझाओगे? हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। मुझे आप यह बताएगा कि आप लोग जो चैटिंग करते ना अपने बाबू और जानू से, अपने बाबू और जानू से चैटिंग करते ना मोबाइल के इस हाथ से, हाँ बाबू, अच्छा ठीक, हाँ खाना मैंने खा लिया, अब क्या हुआ, मम्मी देगी मैगी, मम्मी तुम्हारी मैगी ले आई और कह दिया बिटिया बेटा लो मैगी खाओ। अब मैगी भी प्रिय है आपकी, लेकिन कहीं मैगी से कहीं ज्यादा प्रिय आपकी क्या है, आपके बाबू और जानू। तो बाबू जानू से चैटिंग तो रुक नहीं सकती, चैटिंग तो करनी पड़ेगी। अब देखो क्या होता है, अब आपने ये वाला जो मोबाइल है ना, इस वाले हाथ में ले लिया, किसमें, लेफ्ट हैंड में ले लिया। अब भैया तो मैगी भी खा जा रहे और बाबू जानू से चैटिंग भी चल रही, बाबू जानू से चैटिंग चल रही और मैगी भी चल रही, यानी कि कैसे पॉसिबल हुआ आपका? क्योंकि जो दाहिने हाथ का नॉलेज था, दाहिने हाथ का अधिगम था, वो आपका बाएं हाथ के अधिगम में आपका ट्रांसफर हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसे ही अपन द्विपार्श्व अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। आशा करते हैं साथियों, आप लोगों ने ये सकारात्मक नकारात्मक शून्य समझा होगा। इसके साथ साथ सकारात्मक के तीन बेटे पैदा हुए, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, द्विपार्श्व, यह आपने समझा होगा। इन सभी के एग्जाम्पल्स आपने समझे होंगे, यही एग्जाम्पल्स आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बोलना चाहूँ साथियों, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या अगर मैं आपसे कह दूं कि सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से, याद रखना, अलर्ट सावधान, तो मुख्य रूप से है तीन, क्योंकि एक सकारात्मक, नकारात्मक और आपका शून्य, ये आपके हो गए मुख्य रूप से प्रकार। अब अगर कह दूं कुल कितने प्रकार से, तो कुल हो गए छह, क्योंकि तीन तो मुख्य हो गए और तीन उनके बच्चा पैदा हो गए, तो यानी कि तीन और तीन आपके हो गए छह। तो सावधान रहना, अगर पेपर में पूछा जाए मुख्य रूप से कितने प्रकार, तो तीन, और कुल कितने प्रकार, तो आंसर आपका हो जाएगा छह। दोस्तों, बहुत मन से, बहुत आस्था से, लगन से मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो आपके नज़रों के सामने सब्सक्राइब का बटन लाल रंग से लिखा होगा, तो जल्दी से लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाइए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन नहीं दबाया, तो जो इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है, वह जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए साथियों, आप लोग सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएँ, और आप लोग वीडियो को लाइक अभी तक आपने नहीं किया है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक टीचर कितना मन से आपको पढ़ा रहा है और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। इसी के साथ साथ में एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो आपको बनाना है, किस टॉपिक पर और आपको पढ़ना है, उस साथ में मुझे यह भी जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि जो मेहनत मैं आपके साथ में कर रहा हूं, वह मेहनत किस हद तक आपके पास में पहुंच पा रही है। ठीक है साथियों, ओके, बड़ा अच्छा लगा यहां पर आप सभी लोगों से बात करके यहां पर, तो आप सभी लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, इसी तरह से आप लोग हंसते खेलते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।